वीडियो के इस पार्ट में आप सीखने वाले हो किस तरीके से डिजिटल ओशन पे अपना प्रॉक्सी बनाओगे। यह वीडियो में आप सीखोगे किस तरीके से डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके कैसे अपना प्रॉक्सी बना सकते हो डिजिटल ओशन पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना डिजिटल ओशन के अकाउंट को करना होगा लॉगिन। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉपलेट्स। फिर इसके बाद यहाँ पर आने के बाद चूज़ कर लोगे अपना लोकेशन कहाँ पर आपको होस्ट करना है। करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, डेबियन, क्योंकि इस पार्ट में हम डेबियन के बारे में सीखेंगे। फिर अगले पार्ट में उबंटू, फिर अगले पार्ट में सेंटोएस। तो यहाँ पर हम पहले वर्जन सीखेंगे 11, फिर सीखेंगे 12। इसके बाद यहाँ पर चूज़ कर लेंगे आपको किस टाइप का सीपीयू चाहिए, सेट सीपीयू या फिर डेडिकेटेड। फिर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे आपको क्या चाहिए, इंटेल या फिर एएमडी। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे आपको किस रेंज का चाहिए। इसके बाद करोगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर सेलेक्ट रखोगे पासवर्ड में, हालांकि आपका होगा इसमें, लेकिन आपको यहाँ पर इसमें करना है। फिर यहाँ पर टाइप करोगे अपना पासवर्ड, क्या रखना है आपको अपना वर्चुअल मशीन का पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करोगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद करोगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर होस्ट नेम को थोड़ा कर लेंगे छोटा, हालांकि आप कर सकते हो या फिर नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट ड्रॉपलेट, तो आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से बनकर हो जाएगा रेडी। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर इसे कर लोगे कॉपी आईपी एड्रेस को। फिर अपने कंप्यूटर में आकर टाइप करना है सीएमडी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, हम इसी को करना है ओपन, क्योंकि हम इसी की सहायता से अपना वर्चुअल मशीन को प्रॉक्सी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद टाइप करोगे ACS H स्पेस रूट एट द रेट और आईपी एड्रेस को करोगे पेस्ट। अगर आप माउस को यूज़ कर रहे हैं तो माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे, या फिर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टच बार के नीचे दो बटन हैं उनमें से आपको राइट बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे पेस्ट, फिर करोगे एंटर, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे यस YES सारा होगा स्मॉल में, फिर करोगे एंटर। इसके बाद टाइप करोगे अपना पासवर्ड, क्या पासवर्ड है आपका वर्चुअल मशीन का, जो पासवर्ड आप बनाते वक्त रखे थे आपको वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। हालांकि जब आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं शो करेगा, लेकिन आपका पासवर्ड यहाँ पर टाइप हो जाएंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर में जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा कनेक्ट। हालांकि फर्स्ट टाइम मेरा रॉन्ग हो गया था, तो हम दोबारा पासवर्ड टाइप करके फिर जब एंटर में क्लिक किए तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा कनेक्ट। इसके बाद इसे प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस स्क्रिप्ट को करना होगा अप्लाई। यह पूरा कंप्लीट स्क्रिप्ट है, आप इसकी मदद से अपना प्रॉक्सी बना लेंगे और आप इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आपको इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये स्क्रिप्ट आपका सिर्फ डेबियन 11 और उबंटू का 20 वर्जन में वर्क करेगा। हालांकि डेबियन 12 के लिए अदर स्क्रिप्ट है, वो काफ़ी स्मॉल है, लेकिन हर एक स्क्रिप्ट के फायदे हैं और नुकसान हैं। प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस कमांड को पहले करना होगा अप्लाई। इसे करेंगे यहाँ तक कुछ इस तरीके से कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे आप पेस्ट, फिर करोगे एंटर। फिर इसके बाद अपने कीबोर्ड में वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे वाई टाइप, फिर करोगे एंटर। इसके बाद आपको अगर चेक करना है कि आपका स्क्विड प्रॉक्सी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो इस कमांड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर कर दोगे पेस्ट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस एक्टिव और ब्रैकेट में रहेगा रनिंग। इसके बाद आपको इस कमांड को करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे इंटर, और आप यहाँ पर आ जाओगे कुछ इस तरीके से। फिर अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस W। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे HTTP _ XS स्पेस डिनाई स्पेस ऑल, फिर करेंगे इंटर, तो आप इस पेज में आ जाओगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर आप कर्सर बार को यहाँ पर लेके आओगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको इसे यहाँ पर लेके आना है, हमें इसे यहाँ पर लेके आना है। फिर अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ तक इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर स्पेस। इसके बाद वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस को करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट। यहाँ पर अगर आपका हो जाएंगे स्पेस क्रिएट तो हमें इसको रिमूव करना है। कर्सर बार को यहाँ पर लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, फिर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, फिर इसे कर देंगे हम स्पेस को रिमूव। इसके बाद हमें करना है सेव, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस X, फिर वाई प्रेस करेंगे और इंटर। इसके बाद अगला कमांड, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर वाई, फिर इंटर। इसके बाद आपको अगला कमांड को टाइप करना है, यहाँ तक इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर कमांड को कर देंगे पेस्ट, फिर स्पेस, और यहाँ पर टाइप करोगे अपना यूज़र नेम। आपको अपने प्रॉक्सी का यूज़र नेम क्या रखना है, मैं एग्जाम्पल रखता हूँ डेमो,
फिर करेंगे एंटर, फिर आप टाइप करोगे यूज़र नेम का पासवर्ड, आपको क्या पासवर्ड रखना है। मैं रखता हूँ इसका भी पासवर्ड डेमो, फिर करेंगे एंटर, फिर से मैं दोबारा पासवर्ड टाइप करना होगा ताकि ये कन्फर्म हो जाए। तो अब दोबारा पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर इसे कर दोगे एंटर, इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर करेंगे एंटर, इसके बाद इस कमांड को करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे एंटर, इसके बाद फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे सर्च बार। यहाँ पर हमें टाइप करना है HTTP underscore access space deny space all, देन करेंगे एंटर, तो आप फिर से कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। फिर आप कर्सर बार को यहाँ पर लेके आओगे ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद इसे कर लोगे पूरी तरीके से कॉपी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। अगर यहाँ पर आपका स्पेस क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर लेके आओगे कर्सर बार को, इसे करोगे रिमूव, फिर ऊपर लेके जाओगे, इस तरफ लेके आओगे और इसे कर दोगे रिमूव, देन आप कर्सर बार को नीचे लेके आओगे यहाँ पर, इसके बाद इस कमांड को करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। फिर से अगर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर इसे लेके आएंगे कर्सर बार को और इसे कर देंगे हम रिमूव, देन इसे करेंगे सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, फिर वाई और एंटर, इसके बाद इस कमांड को करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और करेंगे एंटर। अब आपका स्क्विड सर्विस रिस्टार्ट होगा, आपको यहाँ पर वेट करना है 1 से 2 मिनट। रिस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको इस कमांड को करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे एंटर, इसके बाद अगला कमांड इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर एंटर, इसके बाद हम इस कमांड को करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और कर्सर बार को हम यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि हमें यहाँ तक लाकर इसे करना है रिमूव कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर पहले टाइप करेंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम जो अभी रखे हो, फिर आप टाइप करोगे यूज़र नेम का पासवर्ड, जो पासवर्ड रखे हो अभी आपको वही पासवर्ड टाइप करना है, इसके बाद एट द रेट, फिर आईपी एड्रेस को करोगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, फिर कर्सर को यहाँ पर लेके आओगे इस तरफ यहाँ तक, देन करोगे एंटर, तो आपका यहाँ पर प्रॉक्सी कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ऊपर आने पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा कनेक्शन में कीप अलाइव, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर टाइप करेंगे एग्जिट, देन करेंगे एंटर, इसके बाद चेक करेंगे किस तरीके से आपका प्रॉक्सी वर्क करेगा या नहीं। इसे करेंगे हम कॉपी, फिर जाओगे सेटिंग्स में अपने कंप्यूटर का और आप यहाँ पर आकर प्रॉक्सी में जाओगे, देन यहाँ पर आओगे सेटअप में, फिर इसे कर लोगे ऑन, इसे करोगे रिमूव, इसके बाद इसे करेंगे पेस्ट, फिर सेव, फिर किसी ब्राउजर में आकर न्यू टैब में आओगे या फिर उसी टैब में रहोगे तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम टाइप करोगे, फिर यहाँ पर टाइप करोगे पासवर्ड, देन करेंगे साइन इन, इसके बाद चेक करने के लिए कि आपका प्रॉक्सी वर्किंग है कि नहीं तो यहाँ पर क्लिक करोगे होवर में, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे hover.net, तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस आ जाएगा, आपका वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है यही आईपी एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर रहेगा ISP। ISP क्या है? डिजिटल ओशियन, क्योंकि हम इस प्रॉक्सी को बनाने के लिए डिजिटल ओशियन क्लाउड का इस्तेमाल किए हैं और हमारा वर्चुअल मशीन डिजिटल ओशियन क्लाउड प्लेटफॉर्म में होस्टेड है, इसलिए यहाँ पर ISP डिजिटल ओशियन का आएगा, और यहाँ पर रहेगा आपका आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस? जो आईपी एड्रेस यहाँ पर आपका वर्चुअल मशीन का है वही आईपी एड्रेस यहाँ पर रहेगा। अब चेक करते हैं, अगर आपको जानना है कि आपका ये प्रॉक्सी इस वेबसाइट में वर्क करते हैं या नहीं, तो ये नहीं वर्क करेगा क्योंकि इसका ISP ब्लॉक है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिजिटल ओशन का IP ब्लॉक है, इसलिए यह प्रॉक्सी इस वेबसाइट में वर्क नहीं करेगा। अगर आप खास करके इस वेबसाइट के लिए डिजिटल ओशन का प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं तो आपका वर्क नहीं करेगा। फिर इसके बाद चेक कर लेते हैं कि यह प्रॉक्सी जो आपने बनाया है प्रॉक्सी फायर में वर्क करेगा या नहीं। प्रॉक्सी फायर को ऑन कर लेंगे। अगर आपको प्रॉक्सी फायर के लिए IP चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं, उसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। पहले दिखाते हैं इसे चेक करके कि ये वर्क करते हैं या नहीं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड में, फिर यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर पोर्ट टाइप करेंगे, पोर्ट क्या होगा 3128, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे HTTPS। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अनेबल में, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, देन यहाँ पर क्लिक करोगे जब आप चेक में तो यहाँ पर हो जाएगा फेल, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट डिफरेंट है और इस स्क्रिप्ट से बना हुआ प्रॉक्सी फायर में वर्क नहीं करेंगे।
उसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस स्क्रिप्ट से आप प्रॉक्सी फायर के लिए प्रॉक्सी नहीं बना सकते हैं। अभी हम सीखेंगे 12 वर्जन जिसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस स्क्रिप्ट को, और ये स्क्रिप्ट काफ़ी आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और इससे बना हुआ प्रॉक्सी आपका प्रॉक्सी फायर में वर्क करेगा। तो हम सीखते हैं डेबियन 12। यहाँ पर आने के बाद करेंगे क्रिएट में ड्रॉपलेट्स, फिर इसके बाद यहाँ पर लोकेशन, नीचे स्क्रोल, यहाँ पर डेबियन, फिर लेंगे वर्जन 12, देन यहाँ पर CPU टाइप, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपको कौन सा चाहिए, AMD या इंटेल। इसके बाद यहाँ पर आकर टाइप करेंगे पासवर्ड, करेंगे नीचे स्क्रोल, फिर यहाँ पर इसे कर देंगे रिमूव और छोटा सा होस्ट नेम टाइप कर देंगे, आपको जो भी टाइप करना है। देन क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट ड्रॉपलेट, फिर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होने लगेगा रेडी। बस आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट। रेडी होने के बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर ऑन कर लेंगे CMD कुछ इस तरीके से। यहाँ पर टाइप करेंगे यस स्पेस रूट @IPT से करेंगे पेस्ट, फिर करेंगे एंटर। इसके बाद टाइप करेंगे यस, फिर करेंगे एंटर और टाइप करेंगे यहाँ पर पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने VPS बनाते वक्त रखे थे आपको वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। इंटर टाइप करने के बाद फिर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कनेक्ट। इसके बाद इसके लिए ये स्क्रिप्ट है, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर करेंगे एंटर। इसके बाद इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और एंटर। अब आपको यहाँ पर वेट करना है 2 से 3 मिनट। फिर इसके बाद आपको इसको करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे एंटर, और यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम, आपको क्या यूज़र नेम रखना है अपने प्रॉक्सी का, फिर टाइप करोगे पासवर्ड, क्या रखना चाहते हो पासवर्ड, फिर से दोबारा पासवर्ड टाइप करोगे, करोगे एंटर, इसके बाद यहाँ पर टाइप कर दोगे एग्जिट, आपका प्रॉक्सी बनकर रेडी हो गया। अब चेक करते हैं ये वर्किंग है या नहीं। इसे करते हैं हम कॉपी, फिर जाएंगे सेटिंग में प्रॉक्सी को चेक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे सेटअप में, इसे करोगे ऑन, इसे करेंगे रिमूव और यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। आपका पोर्ट क्या होगा 3128, इसे करेंगे सेव, फिर यहाँ पर आने के बाद इसे करते हैं हम रिफ्रेश। तो आपसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा अगर आपका प्रॉक्सी बनकर रेडी हो जाए तो। यहाँ पर टाइप करोगे यूज़र नेम, फिर यहाँ पर टाइप करोगे पासवर्ड, देन करेंगे यहाँ पर साइन इन। तो आप देख सकते हैं आपका प्रॉक्सी बनकर रेडी हो चुका है डेबियन 12 वाला वर्जन में, और आपका यह प्रॉक्सी फायर में भी वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर आप प्रॉक्सी फायर को कर लोगे ऑन, यहाँ पर आओगे, देन ऐड में क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दोगे IP एड्रेस, यहाँ पर टाइप करोगे पोर्ट, पोर्ट क्या होगा 3128। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे HTTPS, देन यहाँ पर एनेबल, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपना यूज़र नेम और यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे चेक में। तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रॉक्सी फायर में वर्क कर जाएगा। अगर आप इस स्क्रिप्ट से अपना प्रॉक्सी बनाते हो तो आपका प्रॉक्सी फायर में भी वर्क करेगा। हालांकि यह स्क्रिप्ट डेबियन 11 एंड डेबियन 12 दोनों में वर्क करते हैं, लेकिन ये वाला स्क्रिप्ट सिर्फ डेबियन 11 में ही वर्क करेगा। अब दिखाते हैं दोनों के नुकसान और फ़ायदे। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आप काफ़ी आसानी से प्रॉक्सी बना सकते हो, इसमें बहुत ही कम कमांड है, ना के बराबर, लेकिन इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप इस कमांड से बनाते हो सकता है कि फ्यूचर में आपका ये स्क्रिप्ट ना काम करे, तो आप इस स्क्रिप्ट से भी अपना प्रॉक्सी बना सकते हो। हालांकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ये काफ़ी सिंपल स्टेप में बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपका मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम ही लगने वाले हैं। ये दोनों स्क्रिप्ट का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको चाहिए ट्रेवल के लिए प्रॉक्सी एंड VPS, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा डायरेक्ट रनिंग VPS एंड प्रॉक्सी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।